जब भी आपकी मम्मा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत भूख लग रही थी तो आप पिज्जा बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा पिज्जा बेस, मोज़रेला चीज जो हमने ग्रेट करके रखा है, और पिज्जा सॉस, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और कुछ वेजिटेबल्स जो हम चॉप करेंगे। अब जो मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं मैं उनको चॉप करूँगी। मैंने यहाँ पे पनीर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च यूज किया है। अब हम इसे चॉप करेंगे। आप इसको ध्यान से काटो क्योंकि ये आपके हाथों पे भी लग सकता है। अब हम टमाटर एक और लेंगे। आप इसे बहुत ध्यान से काटिए क्योंकि आपके हाथों पे लग सकता है। अब हम शिमला मिर्च लेंगे। पहले हम इसे आधा लेंगे। आप चाहे तो आप आधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा शिमला मिर्च यूज कर रही हूँ। पहले हम इसकी पेस्ट को भी बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं मैंने पतला पतला शिमला मिर्च काटा है। आप इसे छोटा छोटा में भी काट सकते हैं। अब हम ये पनीर लेंगे। हम इसकी छोटी छोटी क्यूब्स काटते हैं। आप चाहे तो इसकी स्लाइस में भी काट सकते हैं इसको। अब हम प्याज लेंगे। ये कॉर्न्स हैं जिनको हम सॉटे भी करेंगे। अब हमारे वेजिटेबल चॉप्ड हो गए हैं, तो अब हम इस फ्राई पैन को ऑन करेंगे और इसके अंदर तेल गर्म होने के लिए डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से स्प्रेड करेंगे। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। आप इसे अच्छे से स्प्रेड करिए। अब हमारे वेजिटेबल स्प्रेड हो चुके हैं। अब हम इसमें मोज़रेला चीज डालेंगे जो हमने पहले से ग्रेट किया हुआ है। इसे बेक करने के लिए ओटीजी में डालेंगे। पहले आप ओटीजी की प्लेट में से प्लेट में डालें। अब हमारा पिज्जा बेक होने के लिए जा चुका है और हमने इस ओवन को प्रीहीट किया हुआ था। अब हमारा पिज्जा पकने के लिए ओवन में डल चुका है और हमें 10 मिनट के लिए वेट करना। अब ये देखेंगे कि हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। तो मुझे ये बिल्कुल तैयार है। आप इसे बहुत ध्यान से उठाइए, ये बहुत गर्म है। आप इसको उठाने के लिए एक कपड़े का इस्तेमाल करें। अब हम इसे चेक करेंगे कि अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसके ऊपर कोई भी पिज्जा का निशान नहीं है। अब हम वेट करेंगे पिज्जा बाहर आ चुका है और अब हम इसके साइजेस